अपनी खा के चैन नहीं है। एक महीना डाइट कर लो, अगले महीने दबा के खा दो। कुदरत ये लो हाफ फ्राई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी, एक्चुअली सुबह का टाइम था, कुदरत सो रही थी और मैंने लाइट्स वगैरह ज़्यादा ऑन नहीं करी और मैंने पर्दा जो है वो साइड पे कर दिया था ताकि धूप की अच्छी रोशनी आए मेरे रूम में। और अभी क्या है, सुबह हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि मंडे है आज और मंडे को क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो हम थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना वार्म वाटर, मैं उठते ही वार्म वाटर पीती हूँ। मंडे को रूटीन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है क्योंकि छुट्टी होती है तो इसलिए हम हर काम में थोड़ा देर हो जाती है। और यहाँ पे कुदरत काफ़ी हिलजुल कर रही है, उठने वाली है शायद। और मैं ना मतलब मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग पर्सन है, वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह, मतलब उनको अगर आप 4 बजे भी उठा लोगे तो भी वो खुशी खुशी सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना फेस को ना थोड़ा सा क्लीन कर रही थी क्योंकि शाम को मैंने काजल वगैरह अप्लाई किया था और रात को मैंने उसको रिमूव भी किया था, बट सुबह उठो ना तो थोड़ा जो अंदर लगा होता है ना काजल वो फैल जाता है, तो बस मैं वही अपना मसाला वाटर लिया हुआ था वही मैं उससे क्लीन कर रही थी, अपनी आईज़ के आसपास सारा फेस जो है वो क्लीन कर रही थी। सुबह उठो ना तो ऑयल आया होता है फेस पे, मतलब मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो उसकी वजह से फेस को थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा मुझे क्लेंस करना ही पड़ता है। तो बस ये क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह करूँगी और अपना फेस को अच्छे से वॉश करूँगी। और यहाँ पे मेरा इयररिंग फिर से उतर गया, ये एक दो दिन से ना मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। और अभी मैं अपना जो स्किन केयर है वो मैं करूँगी, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ बट अभी मैं अपना स्किन केयर अच्छे से फॉलो करूँगी। नहा ही नहीं हूँ मैं अभी, थोड़ी देर बाद नहाऊँगी, आज मंडे है। जसप्रीत अपना बहुत सारा काम जो है वो मुझसे आज करवाएंगे, अपना लैपटॉप का, उनकी यूट्यूब वीडियो का एडिटिंग वगैरह मुझे करना रहता है मंडे को, तो इस दिन ना नहाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ रात को नहा के सोती हूँ ताकि अगर सुबह थोड़ा सा लेट हो भी जाऊँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए बस अभी मैं अपना स्किन केयर को थोड़ा फॉलो कर लेती हूँ। और मेरी स्किन ऑयली है तो मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही लगाना जो है वो प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो कर चुकी थी, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपनी चाय और अपने हस्बैंड की चाय। और क्या है ना कि मंडे वाले दिन जसप्रीत अपना यूट्यूब की सारी जो एडिटिंग वगैरह है वो करवाते हैं मुझसे, क्योंकि उनके पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो खुद से अपनी वीडियो को जो है वो एडिट करें, थोड़े टाइम बाद वो खुद सीख जाएंगे तो वो खुद ही कर लिया करेंगे। तो बस अभी मैं उनकी वीडियो जो है वो एडिट करने बैठूंगी। और आज ना हमारे घर पे बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है और ये काम इतने टाइम से मतलब ड्यू जा रहा था, कभी कोई काम, फाइनली मेरे हस्बैंड ने हिम्मत करके इस काम को कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये इतना भी कोई मतलब बड़ा काम नहीं था बट फाइनली हो गया। एक्चुअली ये चप्पलें जूते सब भी ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता था और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और ये घर में नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण होता है गाइस। सो इसलिए ये जो शू रैक है ये फाइनली आ गया घर पे और ये भैया जो हैं उसको अभी सेट कर देंगे, तो सारी चप्पल जूते जो है यहाँ से उठा के हम इधर रख देंगे तो गंदगी जो है वो नहीं दिखेगी। और ये यहाँ पे लग भी गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया और ये सारे के सारे शूज़ जो हैं वो आ गए हैं यहाँ पे फिट। हाँ जी गाइस, सो 1:30 बज रहा है अभी और मेरे हुलिया देखना ज़रा मैंने क्या पहना है, मैं अभी तक सुबह से नहाई नहीं हूँ। और ये देखो यहाँ पे जसप्रीत ने बनाया है ओरियो शेक और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, ऐसा लग रहा है मैं मिट्टी पी रही हूँ। ठीक है बट जो भी है, और अभी यहाँ से थोड़ी सी सफाई हो गई है तो अच्छा लग रहा है। अब सब कुछ सिमट गया है यहाँ पे, ये शू रैक जो लग गया है ठीक है। और बस अभी मैंने जसप्रीत का जो व्लॉग है वो एडिट किया है अभी, और मैंने जो अपना फर्स्ट व्लॉग है ना वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वो भी आप जाकर के चेकआउट कर लेना जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ठीक है जी। तो मैं अपना ये जसप्रीत का बनाया हुआ जो ओरियो शेक है वो मैं इंजॉय कर लूँ।
बस अभी इनकी एडिटिंग वगैरह भी हो गई है। 1:45 बज रहे हैं और बाहर का मौसम देखो यार, मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अचानक से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुहावना सा हो गया है। ये देखो यहाँ पर ना, इधर हमारे यहाँ पार्क है, यहाँ है पार्क, ब्यूटीफुल सा पार्क है, यहाँ पे कुदरत खेलती है। मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं, हाँ वो मेरे फर्स्ट चैनल पे है व्लॉग, आपने शायद वो देखा नहीं होगा। सो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया अभी। ये क्या हो रहा है? ओए बड़ा अच्छा झूला है ये तो आपका, एडिडास का झूला है, हाथ डालो। ओए होए वो देखो एडिडास का झूला ये तो बहुत सुंदर है, आप तो बहुत सुंदर हो। चलो दोबारा से पापा को बोलो, बाबा एक बारी फिर से, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत सुंदर हो। झूला टूट रहा है तुम्हारा? टूटे नहीं झूला, सो सुबह से ना मैं जसप्रीत की वीडियो में लगी हुई थी और बेड की हालत कुछ ऐसी है, तो मैं जल्दी से ना इसको ज़रा क्लीन कर देती हूँ। ऐसे मेरे हाथों में है मैजिक, सो फटाफट से करते हैं इस बेड को। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बेडशीट है वो बिछ गई है और सारी क्लीनिंगनेस जो हो चुकी है। और अभी है शाम का वक्त और ये जसप्रीत और रौनक लगे हुए हैं अपनी बाइक का कुछ काम कर रहे थे। अभी हम निकलने वाले थे कहीं, मतलब डॉक्टर वॉक्टर के पास जा रहे थे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये इनको कुछ काम करना था इस बाइक की, जो ये इनकी बाइक है ना, इसकी कुछ पिक्चर विक्चर क्लिक करनी थी, तो ये वहीं पर बस लगे हुए हैं। हाँ जी जनाब, सो 7:45 हो रहे हैं शाम के, और आप सबको मैं बता दूं, क्योंकि आप कुछ लोग नए जुड़े होंगे, कि मंडे को मेरे हस्बैंड की जो है वो छुट्टी रहती है और हम एवरी मंडे कहीं ना कहीं हमें घूमने जाना ही होता है। तो आज हम वैसे कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हैं, बट आज क्या है, कुदरत का जो है एक वैक्सीनेशन ड्यू थी, तो आज हम वहीं जा रहे हैं इसका इंजेक्शन लगवाने के लिए। थोड़ा सा डर सा लग रहा है क्योंकि इंजेक्शन उसको लगना, बट डर ऑब्वियसली बात है माँ को लगता ही है। तो अभी बस हम जा रहे हैं, आ जाओ, नहीं 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 ऐसे मत करो बेटा, गंदे हो रहे हैं हाथ, यू छी छी हो गया ना गंदा। ये देखो सबको हेलो बोलो, अब बोलो सबको हेलो, इधर कुदरत यहाँ पे बिजी है फिश देखने में। क्या है फिश फिश? अभी कुदरत की हाइट और वेट चेक हो रहा था तो वो रोने लग गई, उसको शायद याद आ गया कि यहाँ पे आके इंजेक्शन लगता है, और अभी वो खेल रही है, बिजी है। कुदरत से आए, कुदरत शी इज़ वेरी बिजी, कितने सारे टॉयज हैं यहाँ पे। ये देखना जरा, हाफ फ्राई कुदरत, ये लो हाफ फ्राई, आपको एग पसंद है ना कुदरत? ये गोल गोल घूमता है कुदरत, ये लो हाफ फ्राई, आपको पसंद है ना क्या है ये क्या है भाई? कुदरत को जो है वो इंजेक्शन लग गया था और वो बहुत ज़्यादा रोई, बस मुझे यही टेंशन है कि इसको पेन वगैरह ज़्यादा ना हो, बुखार तो डॉक्टर ने बोला है कि बुखार वगैरह नहीं होगा, बट पेन भी नहीं होनी चाहिए, या जब पेन होती है ना तो बड़ा मन दुखता है। और अभी मैं यहाँ डिनर वगैरह करने के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 हुए हैं, 8:30 पौने 9, हाँ जी 9, हाँ 9 बजे, और अभी हम यहाँ डिनर वगैरह कर रहे हैं। क्या लिया आपने सोना, सबको दिखाना जरा। ओह
ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ बंदी कर दो तुरंत ये पंखे की कितना देना है। सो अभी हो रहे हैं 9:30 और अभी हमने कुदरत को ना घर पे छोड़ दिया। हम डिनर वगैरह कर रहे हैं और सच में यार डिनर बहुत ही ज़्यादा यम था। और अभी ना हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, हमारा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तो इसलिए हमने कुदरत को ओ हेलो। सो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने रात के 9:30 बजे। मैं जसप्रीत को कह रही थी, मैंने कहा जसप्रीत यार रोज़ आया करो इस टाइम वॉक करने, और कोई काम नहीं, मजा आता है यार इस टाइम ना वॉक करने का। तो क्या है कि अपना तो आज हमने खाना जो है ना कुछ ज्यादा ही खा लिया। तुम रोज ही खा लेते हो ज्यादा? नहीं यार रोज नहीं खाती। अच्छा मैं कुछ टाइम पहले मतलब मैं ना डाइटिंग वगैरह स्टार्ट करी थी और अभी मैं उसको दोबारा कंटिन्यू करूँगी। अभी थोड़े एक दो दिन में मैं ना डाइटिशियन मैम के पास जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा अभी अच्छे से खा पी लूं, दोबारा से खा लूं अच्छी तरह से, फिर एक ही बारी में लूज़ करूंगी सारा। ठीक है जसप्रीत लेके जाओगे ना यार डाइटिशियन को? एक महीना डाइट कर लो, अगले महीने दबा के खा के वापस वेट वहीं पे ले आओ, फिर डाइट कर लो फिर। नहीं नहीं मैंने वहाँ पर अपना लेके नहीं आई। डेडिकेशन पूरी है, डेडिकेशन एक महीना खाना और एक महीना डाइट करना। यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने अपना वेट वहीं स्टक किया हुआ है, मतलब मैंने जितना लूज किया था ना उतना ही है, उससे बड़ा नहीं है सच्ची यार। ठीक है अपनी इन्होंने सारी चीजें लेनी है, जब बारी आती है बीवी को कुछ लेने की, बीवी को कुछ दिलाने की, तब इन कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है पैसे नहीं है। ऐसा करते हैं खुद इन्होंने अपनी बढ़िया चीजें लेनी है। अभी पीछे जैकेट लेके आए थे अपनी, आपने नहीं देखा ना व्लॉग तो इनके चैनल पे जाके जरा चेकआउट करना, मेरे चैनल का नाम दे दो। हाँ जेएस ऑन व्हील्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया हुआ है। ये देख रहे हो आइसक्रीम चोर, एक बार मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाया था इन्होंने तब भी ऐसा ही किया था, अपनी खा के चैन नहीं है। अपनी पूछी मैंने एक बार भी तेरी बड़ी है ना। मुझे ना हैवमोर से ज़्यादा और कोई आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। ज्ञानीज वगैरह की तो बात ही अलग है, खैर वो तो उनको तो किसी गिनती में नहीं लेके आ सकते। मदर डेरी अमूल मतलब उनसे ज़्यादा मुझे हैवमोर पसंद है। इधर दे दो अमीना, सारी खा गए हैं देखो। मैंने एक बाइट और मार लिया, तू व्लॉग कर दिखा। अच्छा जी सो आज मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को शेयर कर देना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज है, सो मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, मेरे सेकंड चैनल का नाम भी आपको मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल के ऊपर ना मैं ब्यूटी से रिलेटेड, लाइफस्टाइल सब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो पोस्ट करती रहती हूँ। सो मुझसे कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।